हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निकिता चौधरी, रक्षित ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज है संडे, तो संडे बहुत बिजी डे होता है। सुबह का चाय वगैरह तो मैंने देख लिया आप लोग, हम लोग चाय वगैरह पी लिया। अब चलिए, मैं संडे का जो हम लोग मार्केट होता है सुबह का, जो एक हफ्ता के लिए सब्जी बाजार मार्केट हो जाता है, चलिए वो सब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए, हम सब्जी वगैरह मिल जाते हैं। और मेरा हेयर आज वॉश किया था, शैम्पू वगैरह किया था, इसीलिए थोड़ा बांध के रखी, थोड़ा पानी सुबह ही किया था, तो थोड़ा पानी वगैरह सूख जाए, उसके बाद मैं गर्डर लगा लूँगी। तो चलिए, पहले सब्जी वगैरह ठीक करते हैं। किचन वगैरह थोड़ा फैला हुआ है, नाश्ता बना कर वैसे ही रखा हुआ है, सब ठीक करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। दोपहर का लंच का मैंने तैयारी कर लिया है। देखिए, लंच के लिए छोटा मछली, इसको फ्राई करेंगे, और इधर है चिकन, इसको बनाएंगे चिकन करी, और यहाँ पे साग रखा है, तो साग बनाएंगे। तो सब रेडी कर लिया है मैंने। देखिए, आलू, प्याज, लहसुन, सब कुछ रेडी करके मैंने रख लिया है। और इधर मैंने गैस में यहाँ पे चढ़ाया है दाल, थोड़ा दाल भी बनाऊंगी। और इधर देखिए, कढ़ाई चढ़ा के थोड़ा तेल भी डाल दिया साग बनाने के लिए। तो चलिए, मैं बना लेती हूँ और आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। और देखिए, शाम हो गया है, शाम को हम लोग रेस्ट करके उठ भी चुके हैं। और इधर देखिए, रक्षित ने कैसे घर में खिलौना उलौना सब फैला के रख दिया है, और बेड वगैरह भी देखिए कैसे फैला हुआ है। तो चलिए, सब मैं मिलाऊंगी। तो पहले हम लोग आम खा लेते हैं, आम काटेंगे हम लोग माँ बेटा मिल के। हम लोग पहले आम खा लेंगे, उसके बाद चलिए शाम का ड्यूटी थोड़ा कर लेती हूँ, करके उसके बाद मैं आपको कपड़ा वगैरह कितना सारा फैला हुआ है, मैं जल्दी से थोड़ा झटपट से सब ठीक करके फिर रक्षित जाएगा साइकिल चला, साइकिल में चलाना लेके जाऊंगी। तो चलिए, झटपट से सब ठीक कर लेते हैं, आपको शायद शेयर करती हूँ।
और देखिए मेरा पूरा रूम क्लीन हो चुका है। रक्षित अपना दोस्त को बुला रहा है और देखिए इधर एक टी शर्ट है, मैं भूल ही गई उसको रखना, उसको भी रख दूँगी और नीचे सिर्फ झाड़ू मारना है बस, और ऊपर का सब क्लीन हो चुका है। जल्दी आ, दिखाओ। और देखिए रक्षित रेडी हो चुका है, रक्षित जाएगा साइकिल चलाने बाहर। चलो रेडी। और देखिए लगभग सारे काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, सब घर वगैरह सब मिला ली हूँ। चलिए मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। इस शाम का हर दिन मेरा शाम को भी यही करने होता है, शाम को ही मैं ऐसे मिला के रखती हूँ। और रक्षित गया है अपना दीदी के साथ बाहर साइकिल चलाने, और मैं भी जाऊंगी थोड़ा बाहर, क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा बाहर अच्छा लगता है। तो कभी भी नहीं ऐसे घर में बंद ही रहती थी, 5 साल हो गए शादी का, ऐसे घर में बंद ही बन के रहती थी। बच्चा होने के बाद अब थोड़ा बाहर जाती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को भी ले चलती हूँ बाहर, और आप लोगों को दिखाती भी हूँ। मैं मम्मी जी का रूम वगैरह भी सब क्लीन कर दिया है, और इधर देखिए मम्मी जी का रूम वगैरह भी सब मैंने क्लीन कर दिया है जो शाम का रहता है। और वहाँ पे एक तो कपड़ा है जो मेरे ननद का बेटी है, वो ट्यूशन जाएगी तो वो कपड़ा रखी थी तो वहीं पे रख दिया है मैंने फिर से। और ये देखिए शाम ढलने देने वाला है, मतलब लगभग 5:30 हो रहे अभी तक ढला नहीं है। और वो देखिए हम लोग का गाछ में आम वगैरह कितना अच्छा हुआ है। और इधर देखिए मैं साफ़ी सुखाई थी वो दोपहर को लंच बना के, तो वही साफ़ी सब सूख रहे हैं। और देखिए कितना सारा यहाँ पे आम है, इस आम का पेड़ में कितना सारा मैंगो हुए हैं, अभी सब कच्चे हैं पके नहीं हैं। तो चलिए मैं चलती हूँ इधर, देखिए ये है हम लोग का मेन गेट। तो मैं चलती हूँ थोड़ा बाहर, मैं आप लोगों को पता ही है बाहर जाने से हम लोग का सिर में दुपट्टा जरूरी है। तो चलिए मैं सिर में दुपट्टा रखती हूँ और चलती हूँ, देखती हूँ लक्षित क्या कर रहा है, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ रक्षित साइकिल चलाना सीख गया है। और देखिए शाम ढल गई है, शाम ढलने के बाद मैं आ गई हूँ। रक्षित को तो थोड़ी देर पहले मैं लेके आ गई थी बाहर से, साइकिल वगैरह चला लिया था, चला के मैं लेके आ गई थी। अब मैं बनाऊंगी चाय वगैरह, शाम का चाय बनाऊंगी पियेंगे और थोड़ा डिनर का तैयारी भी करूँगी। चलिए आप लोगों से शेयर भी करूंगी, और रात को डिनर में क्या बना रही हो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। कि हम लोग का चाय मैंने छान लिया है, और मेरा सासू माँ ग्लास में ही चाय पीती है इसलिए ग्लास में, और रक्षित बोला था थोड़ा चाय पिएगा केक खाएगा इसलिए, और ये है मेरा चाय। तो चलिए इसमें से मूढ़ी लाए हैं, थोड़ा मूढ़ी भी निकाल लेती हूँ, डिब्बा में भी डालना है। चलिए निकाल के फिर चाय पीते हैं हम लोग, चाय और मूढ़ी खाएंगे। देखिए मैं बैक कैमरा से दिखा रही हूँ, यहाँ पे बनाऊंगी मैं चना दाल की पूरी, दाल पूरी बनाऊंगी। तो ये मैंने भिगोया था रात को, और सुबह मैंने बॉईल करके रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज में रख देने से थोड़ा टाइट हो जाता है, और हम लोग जब इसको पीसते हैं तो आराम से पीसा जाता है और थोड़ा चिपकता नहीं है। और थोड़ा मैं ज़्यादा बॉयल कर दिया था इसीलिए मैंने फ्रिज में डाल दिया था, कि थोड़ा ठंडा हो जाने से थोड़ा कड़क हो जाता है। तो चलिए मैं पीस के इसको फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं सिलबट्टे में पीसूँगी। तो चलिए मैं चलती हूँ थोड़ा पीस लेती हूँ। और देखिए मैंने दाल को पीस लिया इसलिए बताते हैं, और ये तो चोखा जैसा होगी। और
और यहाँ पे देखिए आटा भी गूंद लिया है। गोल मरीच को फ्राई कर ले रही हूँ। और इधर देखिए मैं बर्तन वगैरह सब क्लीन कर चुकी हूँ। मैं रात का सब काम करके ही सोती हूँ लगभग। देखिए गैस वगैरह भी सब क्लीन हो चुका है मेरा। मैं रात को ये सब काम करके सोती हूँ कि सुबह उठ के दिक्कत ना हो। थोड़ा चावल बच गया था तो प्रेशर कुकर में चावल है। और यहाँ पे कुछ पानी गर्म करके रखी हूँ, भर के रात के लिए रखूँगी। और इधर देखिए पानी वगैरह मैं सब भर के रख दूँ, सब कुछ कर लेती हूँ रात को ही, सिर्फ नीचे का क्लीन नहीं करती हूँ। फर्श वगैरह गंदा ही रहता है। देखिए फर्श वगैरह गंदा ही, झाड़ू नहीं मारा है मैंने। देखिए रक्षित को पढ़ा के, जैसे ही रक्षित को पढ़ाई थी, पढ़ा के उसे छोड़ के मैं चली गई थी। उसको कुछ लिखने के लिए दे के चली गई थी किचन में, खाना वाना बनाना था। तो आप लोग तो देखे ही डिनर में क्या कुछ बनाई, इसलिए थोड़ा लेट हो गया और जल्दी चली गई। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिला के बच नहीं लगाऊंगी, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ।